इस साल के शुरुआत में हमने पावर बिल्डिंग का ये जो गोल सेट किया था उसे स्टार्ट करते हुए अब 1 महीना हो गया है और मैं पर्सनली प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पता नहीं यार, पर बचपन से ना मुझे डेडलिफ्ट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इवन तो मुझे अभी इस मोमेंट पे सुमो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से थोड़ी बहुत नफरत है फॉर हाइपरट्रॉफी। चाहे मैं अभी जो भी एडवाइस दूं ना, वो दो लिफ्ट्स मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगे। और वो जो जमाना था ना, वो कुछ अलग ही था। बार की ओर जाना, बहुत सारे प्लेट्स लोड करना, स्ट्रैप्स की मदद से उस बार को अच्छे से रैप करना, म्यूजिक सुनना, उस अग्रेशन में बार को उठाना और रैप्स परफॉर्म करना, ये जो फीलिंग है, ये जो एक्सपीरियंस है, इट इज जस्ट समथिंग एल्स। और सो फार इस 1 महीने में मैंने RDLs को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है और डेडलिफ्ट का जो प्रोग्रेशन है वो बहुत मस्त चल रहा है। आपने अभी अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्लिप देखी वो थी पिछले वाले लेग डे की, एग्जैक्ट 2 दिन पहले। और यार, जब से मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया है ना, मैंने रोमेनियन डेडलिफ्ट को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया है। सो ये इन अ वे RDL का एक ऑल टाइम PR है। वो था 3 प्लेट्स एंड अ 2.5 ऑन ईच साइड। उसके मुझे 3 सेट्स मिले 7 रेप्स के लिए सक्सेसफुली। मेरे हैमस्ट्रिंग्स की अच्छे से वाट लग रही है, वो ग्रो हो रहा है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये थी छोटी सी डेडलिफ्ट की अपडेट। कल वापस लेग डे है और मुझे चाहे कुछ भी हो शूट करना है। मैं ऐसे एक्साइटेड हूँ, पता है, मैं ऐसे इंतजार करता हूँ कि मैं नेक्स्ट डेडलिफ्ट कब कर पाऊंगा। आई गेस यही Big 3 कंपाउंड मूवमेंट्स का सबसे बड़ा फायदा है, दे आर सो मच फन टू डू। तो यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी बज गया है सुबह के 9। मैंने जस्ट अभी अभी ब्रेकफास्ट किया। आज हमें डायरेक्टली जिम एक्चुअली नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा काम है जिसके लिए मैं ये बैग अच्छे से भरूंगा और काम खत्म होने के बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट गाइस, काम थोड़ा बहुत हो गया है। अभी हम जिस एरिया में है उसे स्वारगेट कहते हैं। ये मेरे कॉलेज के बहुत पास में है और ये सेम रास्ता मैं हर रोज फॉलो करता था, इसीलिए यहाँ आके थोड़ा सा ऐसे वो कॉलेज डेज का नॉस्टैल्जिया हिट होता है, जितने भी दिन मैंने अटेंड किए उतने। ओके, अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी टिप है। अगर आप ऑफिस के बाद जिम जाते हो या स्कूल कॉलेज के बाद जिम जाते हो, तो एक बहुत ही छोटी चीज जिससे आपका जिम परफॉर्मेंस काफी ऊपर जा सकता है, वो है अपने सारे सप्लाईज ऐसे बैग में कैरी करना। सो यहाँ पर मैंने पहले से प्री वर्कआउट, एक शेकर और इन माय ओपिनियन बेस्ट प्री वर्कआउट मील कैरी किया है, जो है 3 के लिए। 2 क्यों दिख रहा है? हाँ, देयर वी गो, दैट्स द थर्ड वन। 3 के लिए। सो ये मैं हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा कैरी करता हूँ ऐसे दिनों पे जब मुझे पता होता है कि मैं घर से डायरेक्टली जिम नहीं जाने वाला। तो अभी हम मस्त गाड़ी में बैठ के ये 3 केले खाएंगे, इस शेकर के अंदर प्री वर्कआउट डालेंगे। एंड इफ यू कैन सी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है, हल्का सा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ताकि आज जिम में एक अच्छा पंप आए। सो हाँ, एक बहुत ही सिंपल येट काफी इफेक्टिव चीज जो आप तुरंत अपने डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो। और यार, बहुत ऑनेस्टली बोला तो अगर मैं घर पे भी होता तो मेरा जो प्री वर्कआउट रिचुअल है वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता। बाय दैट आई मीन मैं केले खाता, सिमिलर तरीके में प्री वर्कआउट लेता और जिम जाता। Never gonna get any better than leave.
ऑलराइट गाइस, आज हम पोस्ट वर्कआउट मील के लिए एक बहुत ही अलग चीज खाने वाले हैं और ये मेरा नया ऑब्सेशन है। मुझे धीरे धीरे कुकिंग, एक्चुअल कुकिंग, बॉडी बिल्डिंग वाला कुकिंग नहीं, एक्चुअल कुकिंग से थोड़ा सा ऑब्सेशन होने लगा है और मैं आजकल अच्छे अच्छे डिशेस एक थोड़े से हेल्दी स्टाइल में बनाने लगा हूँ। तो मैंने कल डिनर के लिए रेड थाई करी बनाई थी चिकन ब्रेस्ट के साथ और उसके साथ मैंने ऐसे गर्मा गर्म चावल बनाए थे और मुझे क्वांटिटी का ज्यादा अंदाज नहीं था, इसीलिए जो अमाउंट था वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बट इन अ वे मैं काफी खुश हूँ बिकॉज उसकी वजह से लेफ्ट ओवर्स काफी बच गए थे जो मैं आज लंच के लिए भी खा सकूंगा। जस्ट लुक एट दैट, अगर आप इसे अच्छे से स्मेल कर पाते आपके ऐसे मुंह में पानी आता। अरे और सिर्फ इतना नहीं हा, इसके पहले मैंने एक हफ्ते पहले टॉमियम सूप बनाया था जिसमें मैंने चिकन ब्रेस्ट श्रेड करके डाला था और उसके साथ मैंने साइड में राइस बनाया था। सो जब से हम थाईलैंड गए हैं ना, तब से मुझे फॉर सम रीजन थाई कुजीन से ऐसे बहुत प्यार हो गया है और मुझे उस दिन अचानक से दोराबजीज में स्ट्राइक हुआ कि अगर मैं अच्छा खासा थाई कुजीन चिकन फॉर्म में राइस के साथ ऐसे खा पाता तो मैं काफी ज्यादा खुश होता। एंड बिकॉज मैंने ये घर पे फ्रॉम स्क्रैच बनाया है, मुझे इसके मैक्रोज और कैलोरीज भी टू द टी पता है, इसीलिए ये मेरे पूरे लाइफस्टाइल को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई नो एवरीथिंग दैट्स गोइंग इनटू माय बॉडी। मेरा एक और बहुत ही सख्त प्रिंसिपल है, मैं जो भी खाना खा रहा हूँ या जो भी लिक्विड्स कंज्यूम कर रहा हूँ उन लिक्विड्स के कैलोरीज और मैक्रोज मुझे पता होने चाहिए। यही रीजन है कि मैं ज्यादा अननोन चीजें, बाहर की चीजें खाता नहीं बिकॉज मैं उन्हें अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाता। ये सारे अच्छे अच्छे डिशेस घर पे बनाने से आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर मेरे बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। मे बी एक दिन मे बी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा। आज वेदर बहुत मस्त है, मुझे भागने का मन कर रहा है, इसीलिए हाई चांसेस है कि जस्ट लुक एट दैट, अभी बॉडी वार्म अप हो जाने तक मैं 10 मिनट के लिए चलूंगा और उसके बाद हम थोड़ा बहुत भागेंगे, आई थिंक 5K या 6K इजी रन। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है फ्रॉम तेजा। तेजा, सबसे पहले अपना क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए थैंक यू। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, टेक एन एग्जांपल ऑफ वन एक्सरसाइज फ्रॉम योर रूटीन एंड एक्सप्लेन हाउ यू प्रोग्रेसिवली ओवरलोडेड ईच वीक विद इन द लास्ट 3 to 6 months। बहुत सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करता हूँ। दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स और आइसोलेशन मूवमेंट्स। इन दोनों मूवमेंट्स के लिए मेरे पास एक प्रोग्रेशन रेंज होती है। कंपाउंड मूवमेंट के लिए हम स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच पकड़ लेते हैं, उस एक्सरसाइज के लिए मेरी प्रोग्रेशन रेंज 3 sets of 6 to 10 है। अब ये जो 6 to 10 है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस आता है। तीनों सेट्स के लिए मैं वेट सेम रखता हूँ और जिस दिन मुझे तीनों सेट्स के लिए 10 10 10 यानी इस 6 to 10 की अपर लिमिट अचीव होती है, उसका मतलब मैंने उस वेट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। फिर मैं अगले सेशन के लिए थोड़ा सा वेट बढ़ाता हूँ और वापस ये जो लैडर है वो क्लाइंब करने की कोशिश करता हूँ। मे बी मुझे 8 7 6 ऐसे रेप्स मिलेंगे, फिर अगली बार मैं एक और ऐड करूंगा। जब मुझे 10 10 10 रेप्स मिलते हैं, इसका मतलब इट्स टाइम टू मूव अहेड। सिमिलरली आइसोलेशन मूवमेंट्स के लिए मेरी जो रेप रेंज है वो 10 to 15 रेप्स है और यही सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। आई होप इससे मदद मिली। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन ऊपर आया या अगर मुझे आपका क्वेश्चन पसंद आया तो मैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन को एज क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर करूंगा। अब हम ये खाएंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।